So today we are going to see how we can use the direct or group direct group selection tool. तो आज हम देख लेते हैं कि direct selection tool और group selection tool को हम देख चुके हैं बना के normally कि कैसे हम use करते हैं. आज हम एक practical करते हैं कि वाकई में किस तरीके से use होता है. और साथ ही साथ हम magic wand tool को भी देखेंगे. एक AI का एक आप Adobe Illustrator में जाके डाउनलोड Adobe Illustrator की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. और जब आप Adobe Illustrator की इमेज डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, बने बनाए इमेजेस होते हैं और आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि आप ये कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है उसकी जगह कोई दूसरा कलर कर दीजिए. तो आप यूज़ करते हैं एक तो ग्रुप सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का. अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करती हूँ तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है. लेकिन अगर मुझे बताया जाता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे ये वाली लेयर दिख रही है मैं ब्लू कलर की, ये पर्टिकुलर लेयर का कलर चेंज करना है, बाकी का कलर को कुछ भी नहीं करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? तो मैं यूज़ करूँगी एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगी. तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने यूज़ कर लिया. और मुझे अगर पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगी और डबल बार क्लिक कर लूँगी. तो ये देखो कि पूरा का पूरा दोनों की शूज़ की सारी लेयर्स वगैरह सिलेक्ट हो गए हैं. अगर मैं चाहती हूँ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँ और एक पर्टिकुलर लेयर को टारगेट करके इसे कलर चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ ये और यहाँ पे. सी, और अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी मैं वही कलर करूँ तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सी यहाँ पे भी मैंने वही कलर कर दिया. अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर से मैंने इसे क्लिक करा. सी ये पूरा का पूरा चेंज हो गया. अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ग्रे कलर है इसको भी मैं चेंज कर दूँ. तो ग्रे कलर को कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और ये ब्लैक कलर. सी हमारा शू का कलर चेंज हो गया. तो एक शू का चेंज कर दिया हमने कलर. अब बात आती है कि आपको जो कलर है सेम चीजें रिफ्लेक्ट होने चाहिए दूसरा शू में भी. तो दूसरे शू में हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ. तो अब हम यूज करेंगे मैजिक वैंड टूल का. ताकि मैजिक वैंड टूल से क्या होगा कि अगर हम मैजिक वैंड टूल का यूज करेंगे तो जो जो लेयर्स को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे भी उस कलर को कैच करेगा और दूसरे कलर में चेंज कर देगा. सबसे पहले अगर हमें चेंज करना है ये ब्लू कलर, तो हम कैसे चेंज करेंगे. तो ब्लू कलर के लिए हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर और ग्रीन कलर. हम यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट जब हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैजिक वैंड टूल आ जाता है और मैजिक वैंड टूल से हम इस ब्लू कलर को टारगेट कर लेते हैं. तो ये देखो सारा ब्लू कलर टारगेट हो गया है और यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं. ये ग्रीन कलर कर देती हूँ मैं सी. फिर यहाँ से इस वाले शू पे मैं ये ऑरेंज कलर करती हूँ सिर्फ टारगेट. ऑरेंज कलर में मुझे चाहिए येलो कलर, देन सी ये येलो कलर हो गया. अब ये जो ग्रे कलर है यहाँ पे से टारगेट करती हूँ कि भाई ग्रे कलर को टारगेट किया मैंने और ग्रे कलर वाला चेंज हो जाए. तो यहाँ पे जाके मैं ये सिलेक्ट करती हूँ एंड सी कुछ इस तरीके से हमारा ये शू दिख रहा है. सो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, कितना सुंदर लग रहा है ये. तो ये तो हमने मैजिक वैंड टूल का यूज कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज कर लिया और इसमें ग्रुप सिलेक्शन टूल का कोई ज्यादा काम है नहीं. सो थैंक यू, प्लीज स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स.